आज सिने जगत में कदम रख रही है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, एक ही डायन और डेढ़ इश्किया जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हुआ मानती है कि फिल्मों में भाषा कोई समस्या नहीं। मैं उत्तर भारत से हूँ, मेरा मराठी सिनेमा से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुझे फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि अगर मेरी मौजूदगी किसी भी तरह से सिनेमा को फायदा पहुंचाती है तो वे इसमें काम क्यों न करें। हुमा ने फिल्म के बारे में बताया कि उमेश कुलकर्णी मराठी फिल्में बनाते हैं, लेकिन उनकी फिल्मों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय होता है। उनकी कुछ फिल्में देखने के बाद मेरे दिल ने कहा कि मैं हाईवे का हिस्सा बनना चाहूंगी। हाईवे में हुमा की छोटी सी लेकिन अहम भूमिका है। इसमें उनके साथ अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा भी है।